पर देश भर में विरोध और हिंसा की आग फैलती जा रही है। लपटों में उत्तर प्रदेश के कई जिले भी आ चुके हैं। हिंसा तो प्रदर्शनकारियों ने जमकर की, पर प्रशासन ने इस पर क्या कार्रवाई की है, रिपोर्ट में देखिए आप। नागरिकता संशोधन कानून पर उठी हिंसा ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों को अपनी चपेट में ले लिया। राजधानी लखनऊ से लेकर के प्रदेश के कई जिलों में प्रदर्शनकारियों ने जमकर उपद्रव किया। कहीं पर पथराव, कहीं आगजनी और कहीं पर प्रशासन ने लाठियां बरसाई। यूपी में फैली हिंसा से कई प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई। बिजनौर में नागरिकता कानून पर प्रदर्शनकारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। हिंसा में दो प्रदर्शनकारियों की मौत। 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज। कई इलाकों में पुलिस की तैनाती। कानपुर में एक्ट को लेकर के फैली हिंसा में प्रदर्शनकारियों ने जमकर बवाल मचाया। हिंसा ने ली दो प्रदर्शनकारियों की जान। 15,000 से ज्यादा लोगों पर FIR दर्ज। पुलिस की गिरफ्त में 40 प्रदर्शनकारी। 13 पुलिसकर्मी समेत 35 लोग घायल। फिरोजाबाद में हिंसा ने दो प्रदर्शनकारियों को अपनी चपेट में लिया। दो प्रदर्शनकारियों की हिंसा में मौत। 50 से ज्यादा पर FIR की गई दर्ज। गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित। एक्ट पर फैली हिंसा ने मेरठ की सड़कों पर भी सन्नाटा बिखेरा। उपद्रव में 4 प्रदर्शनकारियों की मौत। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ केस दर्ज। कई उपद्रवी हिंसा में हुए घायल। संभल जिले में प्रदर्शनकारियों के उपद्रव में प्रशासन ने दिखाई सख्ती। 1 प्रदर्शनकारी की उपद्रव में मौत। 2 दर्जन उपद्रवी पुलिस की गिरफ्त में। फुटेज के आधार पर की गई गिरफ्तारी। वाराणसी में नागरिकता कानून पर मचे बवाल पर प्रशासन ने चलाए डंडे। हिंसा में 1 की मौत, 8 घायल। 20 नामजद समेत 2,500 पर केस दर्ज। संवेदनशील इलाकों पर फोर्स तैनात। दिल्ली से सटे हुए गाजियाबाद में भी हिंसा की आग की लपटें फैली। 3,600 उपद्रवियों पर केस दर्ज। सपा जिला अध्यक्ष के खिलाफ केस दर्ज। पुलिस ने रात भर ली घरों की तलाशी। बहराइच जिले में नागरिकता कानून पर फैली हिंसा, प्रशासन ने उपद्रवियों पर बरसाए डंडे। 6 प्रदर्शनकारियों के खिलाफ केस दर्ज। 38 उपद्रवी पुलिस की गिरफ्त में। हिंसा में कई पुलिसकर्मी भी घायल। हिंसा की आग ने भदोही जिले को भी लिया अपनी चपेट में। प्रशासन ने की कड़ी कार्रवाई। 227 प्रदर्शनकारियों पर केस दर्ज। 27 नामजद समेत 200 अज्ञात पर FIR। हंगामे और पथराव में कई घायल। प्रदर्शनकारियों ने गोरखपुर में भी नागरिकता एक्ट को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया। 22 उपद्रवी पुलिस की गिरफ्त में। वीडियो के आधार पर हुई गिरफ्तारी। 50 उपद्रवियों को चिन्हित किया गया। सीतापुर में भी एक्ट पर सड़कों पर उतरे उपद्रवी। कचहरी परिसर में उपद्रवियों की तोड़फोड़। 100 प्रदर्शनकारियों के खिलाफ केस दर्ज। चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन तैनात। लखनऊ में हिंसा की आग ने बड़ा रूप लिया, जिसमें कई उपद्रवी और कई पुलिसकर्मी घायल हुए। लखनऊ हिंसा में 1 की मौत। 218 उपद्रवी पुलिस की गिरफ्त में। हिंसा में कई पुलिसकर्मी भी घायल। गुरुवार को हुआ था हिंसात्मक प्रदर्शन। देशभर में फैली हिंसा ने अब तक कई प्रदर्शनकारियों की जान ले ली है, पर दिल्ली से यूपी तक फैली आग को जल्द से जल्द रोकना प्रशासन की जिम्मेदारी है, जिससे प्रदेश में शांति और सौहार्द बना रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।